बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अ लॉट ऑफ व्यूअर्स आर अपलोडिंग ऑन यूट्यूब और भी बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग व्यूअर्स अपलोड कर रहे कि नाउ अमेज़न पे आप हाउसेस सेल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट और बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, मैंने जिस तरह कहा कि यूट्यूब पे वीडियोस आ रही है कि वो नाउ आप Amazon पे हाउसेस सेल कर सकते हो, राइट? Amazon पे आप हाउसेस सेल कर सकते हो, Amazon पे आप गाड़ियां सेल कर सकते हो, विच इज अ हाई टिकेट प्रोडक्ट, राइट? बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझसे पूछेंगे भी, एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछेंगे कि सर, अगर ये एक घर है और ये $10,000 पे बिक रही है Amazon पे, तो लाजमी बात है ये तो $4,000-5,000 पे हमें सोर्स भी होता होगा। अब हमारे पास $400 नहीं है तो हम ये एक घर लेंगे कब, किस तरह लेंगे? जब लेंगे तो तभी सेल करेंगे ना। तो इसका सोल्यूशन भी है, सेल किस तरह होती है अमेजोन पे, ये किस तरह, जिस तरह इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, लाइक और प्रोडक्ट को जो हम सेलेक्ट करते हैं कि ये हमारे लिए एक विनिंग प्रोडक्ट है, उसका हम BSR देखते हैं, उसका हम ऑफर सेक्शन देखते हैं, उसके हम सेलर्स देखते हैं, राइट? उसके हम पूरा का पूरा क्राइटेरिया देखते हैं। अगर उस प्रोडक्ट में वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो तो वो हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट होता है। तो घरों में भी ये एक इस तरह का कोई सीन है, एग्जैक्टली वही बात है, राइट? लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होगी। इफ यू गाइस रिमेम्बर, मैंने अपने हर स्टूडेंट से मैं ये बात करता हूं कि जब भी आप प्रोडक्ट का पिक्चर ओपन कर लो, सबसे पहले किस चीज को देखना होगा? BSR। किस चीज को देखना होगा? BSR को। अगर BSR आप लोग की क्राइटेरिया पे फुलफिल है, सो इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट पे आप आगे रिसर्च कर लो। एग्जैक्टली इसी तरह था कि नहीं? चैट सेक्शन में बात करूं, इसी तरह था कि नहीं? अब अगर BSR आप लोग की क्राइटेरिया के फुलफिल नहीं कर रहा था, तो इट्स मीन कि इस प्रोडक्ट पे हम आगे जा नहीं सकते। यही इसी तरह इसमें भी है। अब रेंडमली मैंने आप लोग के साथ कुछ एसेंस ओपन कर लिए है, राइट? कुछ एसेंस है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं और ये भी देखेंगे कि ये अमेजोन पे हम सेल किस तरह कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट है, ये $9,978 पे अमेजोन पे बिक रही है, राइट? यहाँ पे इसके साइजेस भी है, विद रेस्ट रूम, स्क्वेयर फुट, ये सब कुछ आपके सामने इसका डिटेल है। यहाँ पे आ जाओ, इसका पिक्चर्स देख लो, खुद देख लो यार, कितना जबरदस्त घर है। यकीन करो, हमारे घरों से भी खूबसूरत घर है, अमेजोन पे बिक रही है। अगर ये $10,000 मतलब इट्स मीन 30 लाख रुपए पे बिक रही है, एक किस्म का एक आप स्टील वाला घर है। देख लो यहाँ पे इसका किचन, देख लो रूम्स, देख लो कितना जबरदस्त है। यहाँ पे इसकी वीडियो जरा ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह के घर होते हैं। वीडियोस देख रही दिखाई दे रही है आप लोग के सामने? ओके, खुद देख लो। यहाँ पे इस तरीके से अमेजोन के लोग आएंगे जो कि अमेजोन के घरों के वो एक्सपर्ट लोग हैं। वो जब जो कस्टमर अमेजोन से प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, एग्जैक्टली उसी तरीके से वो जो है ना, उसके लिए घर वहां पे दोबारा स्टेब्लिश करके फिर वहां से चले जाएंगे। ये रेडीमेड घर होते हैं, ये चाइना में बनते हैं, ये यूएस में इसके सप्लायर से होम डिकोर इसका एक सप्लायर है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बात है कि भाई हम कौन सा घर अमेजोन पे सेल कर सकते, कौन से घर में हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, राइट? कौन से घर में हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, या ये भी उसी तरह एक विनिंग प्रोडक्ट की क्राइटेरिया रखता है कि नहीं? जिस तरह एक इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले मुझसे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा कि सर, इसकी भी एग्जैक्टली उसी तरह की क्राइटेरिया है कि नहीं? एग्जैक्टली उसी तरह की क्राइटेरिया। यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ, इसका BSR देख लो। सबसे पहले इसका BSR देख लो, कितना BSR है? 54,397। कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी है पेशो लॉन एंड गार्डन, विच इज माई फेवरेट कैटेगरी। पेशो लॉन मेरे अमेजोन में दो बेस्ट कैटेगरी है, ऑटोमोटिव और ये पेशो लॉन एंड गार्डन, मेरी फेवरेट कैटेगरी है, बहुत ज्यादा सेल्स आती है इस पे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। हमेशा एक चीज याद रखो कि अमेजोन पे प्रोडक्ट की एजिंग पे आप लोग समझो। किस चीज पे? प्रोडक्ट की एजिंग पे, कि ये प्रोडक्ट कब से अमेजोन पे बिक रही है, इस प्रोडक्ट की लाइफ कब से अमेजोन पे स्टार्ट हो रही है, राइट? कब से ये अमेजोन पे आया है, इस चीज पे, राइट? तो यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो, 34 डेज हो गए भाई,
अगर यहां से नहीं दे सकते, यहां से कीपा की ग्राफ से भी आपको दिखाई दे सकता है। 34 डेज नहीं बल्कि 131 डेज, यहां से ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो खुद अंदाजा लगा लो कि कितना कम टाइम इस प्रोडक्ट का हुआ है यहाँ अमेजोन पे आके इस प्रोडक्ट को लिस्ट हुए हुए, राइट। उसके बाद बीएसआर भी देख लिया, फिर उसमें सेलर्स कहते हैं ये देख लो, ओ माय गॉड अनबिलीवेबल, 120 सेलर है। अब यहां पे मैं आपको इसके एड्रेस भी बताऊंगा, न्यू सेलर न्यू सेलर न्यू सेलर न्यू सेलर, खुद देख लो सारे के सारे न्यू सेलर है। यकीन करो ये लिस्टिंग उस दिन जब हम सेशन ले रहे थे, याद है ना उस सेशन, इस प्रोडक्ट को पता है कितने सेलर थे, अल्लाह की कसम इस प्रोडक्ट के 17 सेलर्स थे, ये ऐसे मेरे पास सेव था। कितने सेलर आ गए हैं, तकरीबन हमारा तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ हुआ होगा, 120 सेलर ने इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया है। तो क्या हर एक को ऑर्डर आएगा, हर एक को ऑर्डर आएगा? आप लोग क्या कहते, कभी भी नहीं। इस प्रोडक्ट्स में और इस घरों वाले प्रोडक्ट्स में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बहुत है लेकिन ये हर कोई सेल नहीं कर सकता। यकीन करो ये एक ऐसी बात बता रहा हूं ना, अल्लाह की कसम ये किसी ने अभी तक यूट्यूब पे एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अमेजोन पे हर एक बंदा तो इस घर को लिस्ट कर सकता है, हर एक बंदा तो इस घर को अपने सेलर सेंटर पे लिस्ट कर सकता है, लेकिन हर एक बंदा सेल नहीं ला सकता। क्यों, यार खुद अंदाजा लगा लो, मैं एक कस्टमर हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कस्टमर हूं और मैं अमेरिका में रह रहा हूं, राइट, और मुझे घर की जरूरत है, राइट, और घर अगर मैं परचेस करूंगा तो लाजमी लाजमी बात है $20,000, $15,000, $26,000, $30,000, $10,000 एक प्रोडक्ट का, एक यूनिट का मैं किसी सेलर को दूंगा कि मैं उससे वो घर परचेस करूं, या मैं अरे गेरे सेलर से ये प्रोडक्ट परचेस कर सकता हूं। एज अ कस्टमर साइड की आप सोच लो, ट्रस्ट का इशू होगा कि नहीं, चैट स्ट्रक्चर में बताओ, ट्रस्ट का इशू होगा मुझे कि नहीं, एज अ कस्टमर के बिहाफ पे सोच, होगा कि नहीं ट्रस्ट का इशू? ये एज अ तो बिल्कुल कस्टमर लेट्स सपोज आप अमेरिका में रह रहे हो और आप मुझसे ये घर परचेस कर रहे हो, तो आपके माइंड में ये माइंड नहीं आएगी कि यार ये फरमान क्या पता मैं इससे घर परचेस कर लूं और ये मुझे घर डिलीवरी ना कर दे और मैं अमेजोन को पेमेंट कर दूं, फिर वो अमेजोन के पास वो पेमेंट रहती, और अगर कस्टमर सेलर मुझे वो घर ना डिलीवर कर दे तो फिर अमेजोन से वो पेमेंट मुझे आएगी, तो ये किस्म कस्टमर के लिए हेडेक बनेगा, 15-20 दिनों में उसकी पेमेंट उसको दोबारा मिलेगी, तो इट्स अ हेडेक टास्क, राइट। तो हर एक कस्टमर वहां पे, अगर जिस तरह आप अमेजोन को समझते हो ना, इसी तरीके से वो भी अमेजोन को समझते हैं, राइट। जब वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे आएगा, इस घर पे आएगा, तो वो उन सेलर से ये प्रोडक्ट परचेस करेगा जिस सेलर के नाम के साथ यूएस का फ्लैग होगा। क्या होगा, क्या होगा? फ्लैग। यूएस का फ्लैग होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई अब इस बेचारे को देखो यार, इस एफबीएम लिस्टिंग की, और क्या बताया कि मैं इसके पास कितना स्टॉक है, 95, इट्स मीन 9,50,000 डॉलर का स्टॉक इसके पास पड़ा है, 9,50,000 डॉलर का, ये तो डोनाल्ड ट्रम्प से भी फिर अमीर हुआ। अगर आपके पास 9,50,000 डॉलर की इन्वेंट्री है तो आप अमेजोन पे सेलिंग क्यों कर रहे हो? अगर इसी तरह है कि नहीं, $10,000 पे बिक रही है, इसके पास ये 95, इस यकीन को इसके पास एक यूनिट भी नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये एफबीएम सेलर है। एफबीएम में आप जितना स्टॉक लगा सकते हो लगाओ, कोई पाबंदी नहीं है आप पे, एफबीए पे आप इस तरह नहीं लगा सकते। और मोस्टली जितने सेलर है एफबीएम है कि नहीं, किसने 13,000 लगाई है, किसी ने $18,000 लगाई है, किसी ने $32,000 लगाई है, सो इस पे ऑर्डर हर किसी को नहीं आता, राइट। यहाँ पे आप देख लो 30 डेज में, 90 डेज में देख लो, मैं आपको और लिस्टिंग अभी दिखाता हूं, ऑर्डर इन लोगों को भी आता है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत कम ऑर्डर आता है, राइट, बहुत ज्यादा कम ऑर्डर आता है। अभी 2 मिनट पहले भाई इसके पास बाय बॉक्स था, प्राइम पिकअप के पास बाय बॉक्स था, किसके पास, प्राइम पिकअप के पास बाय बॉक्स था, एक एफबीएम सेलर है, स्टॉक इसने 1,800 किए हैं, 1% बाय बॉक्स मिला है, इट्स मीन इसको ऑर्डर आई थी, अगर 1% बाय बॉक्स इसको विन हुआ है, सो इट्स मीन इसको ऑर्डर आई थी 12 घंटे पहले, 1 दिन पहले, इसको
इसके पास फाइव बॉक्स था। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये तो आपका हुआ कि अमेजोन पे घर किस तरह होते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको एक सेलर सेंट्रल शो करता हूँ, राइट। सेलर सेंट्रल पे आप लोग सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक घर है, वही घर मैं उठाता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया मैंने उसका एसिन। आई थिंक आप लोगों ने मेरी लिस्टिंग वाली वीडियो देखी होगी। मैं यहाँ पे उसका एसिन पेस्ट करता हूँ और मैं इंटर करता हूँ, इंटर मैंने कर लिया। यहाँ पे मेरे सामने क्या ऑप्शन आ रही है, सेल दिस प्रोडक्ट की, क्या ऑप्शन आ रही है, सेल दिस प्रोडक्ट की। तो इट्स एकदम मीन कि ये प्रोडक्ट मैं लगा सकता हूँ कि नहीं। मैंने कहा था वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखी होगी, कि जब भी आपके सामने सेल दिस प्रोडक्ट की ऑप्शन आए, सो इट्स मीन ये एक अनगेटेड प्रोडक्ट है। इसमें अमेजोन आपसे कोई इनवाइस वगैरह नहीं मांगता। यहाँ पे आ जाओ और सेल दिस प्रोडक्ट की एग्जैक्टली जिस तरह आप मीटू करते हो ना और प्रोडक्ट की तरह, सेम उसी तरह उसकी लिस्टिंग प्रोसेस है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर किसी और कैटेगरी का प्रोडक्ट लगाते हो जो कि 10-12 डॉलर पे अमेजोन पे बिक रही होती है, जिस तरह उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो ना, इसी इन घरों की भी इसी तरह वही लिस्टिंग का प्रोसेस है। यहाँ पे आ जाओ, मैं इसका जो है ना, कोई आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। लेट सपोज मैं हाउस देता हूँ, हाउस 1 2 3, मैंने ये एसकेयू का नाम दे दिया। क्वांटिटी, क्वांटिटी में लेट सपोज मैं एज एफबीएम, सॉरी एफबीए करता हूँ, एफबीए करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैंने अमेजोन कितने घर शिप करने हैं ताकि अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर वेयर हाउस में मेरे वो घर हो, और जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे तो अमेजोन की गाड़ी वाली ये घर कस्टमर को डिलीवर कर दे। मैं करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास चार घर है, चार ठीक है, या पांच, चलो पांच ठीक है कि नहीं। प्राइस में क्या करता हूँ, ये 10-10 हजार डॉलर पे बिक रही, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 10 हजार डॉलर। लगा ली मैंने, समझ रहे हो कि नहीं, कंडीशन में न्यू करता हूँ, क्लियर। अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस। जो बंदा एफबीएम करता है ना, तो वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेगा, और जो बंदा एफबीए करता है वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेगा। ये दो मार्केट में ऑफ करता हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट में ऑन रखता हूँ, सेव एंड फिनिश पे। ये इसकी हो गई लिस्ट, क्लियर है कि नहीं, लिस्टिंग हो गई, इजी जी है कि सर नहीं, इजी है कि नहीं। अब इसमें जो प्रॉब्लम होंगे वो डिस्कस करूंगा, ये सेशन अभी खत्म नहीं हुआ, गौर से सुनो। इसमें एक प्रॉब्लम भी है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो जुकाम है, अगर आवाज सही नहीं जा रही हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भाई आप इस लिस्टिंग को देखते हैं कि लिस्टिंग हो गई है कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं, लिस्टिंग हो गई कि नहीं, हो गई, आप लोग के सामने है लिस्टिंग। हेलो, जी सर, लिस्टिंग हो गई। जी सिंपली यहाँ पे जी आ सर, जाओ, यहाँ पे जो है ना, सेंड अ रिप्लेनिशमेंट पे क्लिक करो, इसका शिपमेंट प्लान बनाओ। अगर आपके पास अमेरिका में ये पांच घर है, आपने चाइना से मंगवाए हैं, तो उस सप्लायर से कहो कि ये मेरे पांच घर अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर भिजवाओ, सही है ना। आपकी इन्वेंट्री अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर पहुंच जाएगी, फिर जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो अमेजोन की गाड़ी वाली आपका जो है ना, ये घर कस्टमर को पहुंचाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है उसको डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम जो कि बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में नोटपैड ओपन कर लो, ताकि ये वर्ड आपके साथ हमेशा याद। अमेजोन ने 12 फरवरी पे एक पॉलिसी लॉन्च की है, उसका नाम है टी क्लेम। उसको थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो स्टडी भी कर लो। अमेजोन ने इस घर में, इस प्रोडक्ट में ये एक मसला है ना, कि लेट सपोज कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करता है, क्या कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं, अगर आप एज ए एफबीए सेलर हो या आप एज ए एफबीएम सेलर हो, तो कस्टमर को तो आपने ये घर पर डिलीवर करना होगा कि नहीं, करना होगा कि नहीं, थोड़ा सा ये मेरे साथ बात कर लो ताकि मुझे लगे कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं। कस्टमर को आप लोगों ने सर डिलीवर ये घर करना, तो डिलीवर करना होगा कि नहीं। अब कस्टमर जी के सर पास ये घर चला बिल्कुल गया, राइट, कस्टमर बिल्कुल पेमेंट किसको करेगा, पहले पेमेंट करेगा अमेजोन के बैंक में, किसको करेगा, अमेज़न को,
अमेजोन के बैंक में जब अमेजोन के पेमेंट बैंक आएगी तो 30 डेज तक वो पेमेंट अमेजोन अपने साथ रखेगा। क्या करेगा? अपने साथ रखेगा। अगर 30 दिनों में कस्टमर का ये माइंड बना कि ये जो घर मैंने ऑर्डर किया था ये ठीक नहीं है यार, उसमें कुछ खराबी है, कस्टमर इज कस्टमर, और हम कहते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, और अमेजोन कहते हैं कस्टमर इज गॉड, नाउजुबिल्ला कहते हैं कि नहीं, तो जी अगर जी कस्टमर का माइंड बना कि यार ये घर मुझे पसंद नहीं है, तो कस्टमर रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रिटर्न करेगा। जी तो आपने तो वहां पे इस पे इन्वेस्टमेंट लगाई थी यार, $5,000 पे लगाई थी कि नहीं? चाइना से आपने शिप कराई थी वहां पे, इसके लिए आपने जो है ना जगह ली थी कि ये वहां पे इतने दिनों तक पड़ा रहे, फिर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस की थी, तो इस पे तो आपके 1 महीने लगा हुआ होगा। इसी तरह है कि नहीं? थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो के इस सिनारियो को अपने माइंड में एक नक्शा बनाओ कि ये काम हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक। जी सर, अब लेट सपोज कस्टमर ने 25वें दिन पे इस प्रोडक्ट को रिटर्न कराया और अमेजोन ने आपको ईमेल की कि आपने जो घर सेल किया था रिटर्न हो गया। एज ए FBA सेलर पाकिस्तान से बैठ के सोचो क्या करोगे, कौन बता सकता है? उम्मे फरवा आप बताओ। अगर वो रिटर्न हो गया तो फिर मतलब हमें उसको अमेजोन को वो भी तो करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा रीजन, या फिर वो हमें बताएगा। अमेजोन आपको बताएगा कि कस्टमर ने, मतलब ये कस्टमर ने रिटर्न कर लिया और कस्टमर को ये घर अभी जी नहीं जी चाहिए। 30 दिन की पॉलिसी अमेजोन ने अभी लॉन्च की इस घरों के लिए स्पेसिफिकली। एज ए ठीक FBA है, सेलर सोचो कि क्या, अगर FBM हो वहां पे रह रहे हो तो अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो फिर उसके पीछे जाओगे, कस्टमर का जो है ना वो करोगे कि यार खुदा रहा ये क्या कर रहे हो, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तो मैंने चाइना से जो है ना अगर मंगवाई आपके लिए तो इस पे जो है ना 1 महीना ऊपर से लगा है, मैंने $85,000 इस पे लगाए हैं, ये तो मैं दोबारा चाइना नहीं भेज सकता ना, ये तो मैं दोबारा चाइना नहीं भेज सकता। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ तो इस हमारी तरह हो। इन्वेंट्री तो वेयर हाउस में वापस आ जाएगी। एज ए FBA सेलर आपकी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस आ गई राइट, फिर क्या करोगे? वो अगेन एक्टिव हो जाएगी। अगेन एक्टिव हो जाएगी तो दुख नहीं होगा? जी सर, लॉस तो होगा शिपिंग या इस लॉस तरह होगा लॉस। कि नहीं? लॉस ये देख रहे हो कि नहीं? ये यहाँ पे इस तरह बेच रहे, $780 पे अलीबाबा पे एक घर बेच रहे, $8,999 पे, $19,715 पे। अगर ये आप अलीबाबा से परचेस करोगे और फिर अमेजोन पे कस्टमर पे भेजोगे और ऊपर से कस्टमर रिटर्न कर देता है, तो आपके जो पेमेंट कस्टमर ने आपको जो की थी और अमेजोन के साथ आपकी पेमेंट थी, अमेजोन वो पेमेंट दोबारा कर लेगा, ऊपर से अमेजोन आपसे स्टोरेज कॉस्ट और कटिंग करेगा, आपसे वो फुलफिलमेंट कॉस्ट कटिंग करेगा, सब कुछ आपसे कटिंग करेगा। तो इस बिजनेस में प्रॉफिट है, यकीन करो प्रॉफिट इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन लोगों के लिए प्रॉफिट है जिसके पास गुर्दा बड़ा हो। बिल्कुल वो आसान अल्फाजों में समझाता हूँ, मतलब मैं उस तरह का बंदा नहीं हूं ना कि आपको वो सब बागात दिखाऊं, जो कि हकीकत है उस पर बात करता हूँ, फैक्ट इज फैक्ट, उस पर आंखें नहीं छुपा सकते। उस बंदा इस बिजनेस में वो बंदा प्रॉफिट कमा सकता है जिसके पास गुर्दा बड़ा हो, जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकता हो और लॉस के लिए हर वक्त रेडी हो, मतलब इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और प्रॉफिट उसके सोच से भी ज्यादा है। जी सर, एग्री। यस आर यू गेटिंग मी? सर, सो सिंपल इसमें, बिल्कुल मतलब लोगों ने इससे कोई, मतलब कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बनाया है सर। कि लोग अमेजोन पे घर किस तरह सेल कर रहे हैं, यकीन मानो बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल है। लेट सपोज मैं आपको एक सिनारियो फिर से बताता हूँ, यहाँ तक जितना डिस्कस कर लिया समझ आ गया कि नहीं? सच सच बताओ, जी समझ आ सर, गया जी कि नहीं? सर, लेट सपोज यस सर। आपको जो है ना ये घर चाहिए, आपको जो है ना ये घर चाहिए, आप यहाँ पे आ जाओ, इसका ये टाइटल कॉपी कर लो, यहाँ अलीबाबा पे आ जाओ भाई, अलीबाबा पे, अलीबाबा पे, अलीबाबा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वेबसाइट बाय द वे, यहाँ अलीबाबा पे आ जाओ, यहाँ पे इसको सर्च कर लो,
आपके सामने ये प्रोडक्ट्स इस तरह के घर आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इस अलीबाबा पे सबसे पहले अकाउंट बनाओ, राइट। अकाउंट बनाओ, यहाँ पे इसके साथ कांटेक्ट कर लो, $5,500 पे बिक रही। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप जिस घर को तलाश कर रहे हो ना, जिस घर को तलाश कर रहे हो अलीबाबा पे, शायद वो उस घर के क्लियर पिक्चर नहीं आपको मिल रही, राइट। हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या कर लो, चैट नाउ पे क्लिक करो। सबसे पहले यहाँ पे कोशिश कर लो कि वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक कर लो, राइट। ट्रेड अश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक कर लिया करो। ट्रेड अश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर पे इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लिक कर लिया करो, इफ इन केस आपका माइंड बनता है आप अमेजोन पे घर सेल करते हो ना, मेरा काम है आप लोग को डायरेक्शन देना, सही है ना, ताकि आप लोग समझ जाओ। बीइंग स्टूडेंट ऑफ फरमान, अगर आप लोग को ये चीज समझ आ जाए, राइट। ट्रेड अश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर पे इसलिए क्लिक करना चाहिए आप लोग को कि लेट सपोज कल को आप अलीबाबा से, इस अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे, ये एक सप्लायर है, राइट, मैन्युफैक्चरर है, और आप इससे ये घर परचेज करते हो, और आपने ट्रेड अश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक नहीं किया था, और आपने इस सप्लायर को पेमेंट कर दी, राइट, इस सप्लायर को पेमेंट कर दी, और इस सप्लायर ने आपको ये जो है ना ये घर डिलीवर नहीं किया, तो अलीबाबा पे आपके पेमेंट का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, राइट। अलीबाबा आपके पेमेंट का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, समझ आ रही है आपको। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी जी प्लस पॉइंट क्या है, दूसरी इसकी प्लस पॉइंट है कि अगर आप ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर पे क्लिक करते हो, और ये घर जब आपका यूएस शिप होता है, राइट, तो कस्टम ड्यूटी जो इस पे लगती है, कस्टम चार्जेस, टैक्स वगैरह, तो ये भी ये मैन्युफैक्चरर खुद पे करेगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी, आपको आपका घर आपके डोर स्टेप पे मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ यार? सर, समझ बिल्कुल रहे। समझ रहे हो, यहाँ पे जी इसके सर, साथ समझ रहे कॉन्टेक्ट हैं, समझ सप्लायर या रहे। चैट नाउ पे क्लिक कर लो, अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, इसके पिक्चर उठाओ और यहाँ पे इसके साथ चैट में इसको इसके पिक्चर सेंड कर लो, यार मुझे तो ये वाला घर चाहिए, वो कहेगा कि आप मुझे 10-15 दिन दे दो, हम जैसे ही इसका मैन्युफैक्चर करते हैं हम आपके एड्रेस पे डिलीवर कर लेंगे। समझ आ रही आपको? तो जी सर, ये सर एक सारा, सवाल है। जी, तो ये सारा का सारा प्रोसेस है, आप अमेजोन पे घर किस तरह सेल कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो मैंने डिस्कस कर ली कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि एनी टाइम कस्टमर रिटर्न कर सकता है। अभी सबर करें, आप क्वेश्चन एंड में करें, अभी आपको एक अच्छा बताता भी हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट था, उन्होंने सेल भी की थी, आपको शो हो रही कि नहीं स्क्रीन, शो हो रहा है स्क्रीन ऑर्डर्स जी का, सर, उन्होंने फिर मुझे पिक्चर भी सेंड की जी थी, सर, ये आइटम सब टोटल $6,490 पे एक सेल की थी, और एक कस्टमर ने, जालिम के बच्चे ने, दो घर ऑर्डर किए। ये मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे पिक्चर सेंड की, वो उन्होंने मुझे रेंडमली कॉल की कि फरमान भाई आजकल अमेजोन पे लोग घर सेल करे, तो मैंने उसको कॉल पे समझाया कि ये प्रोसेस होता है, उस जालिम के बच्चे ने सारा का सारा प्रोसेस मुझसे कॉल पे सीखा, और उन्होंने ये प्रोसेस कर भी लिया, अमेजोन पे लिस्टिंग कर ली, जब ऑर्डर आया तो वो सिर्फ देख रहे थे कि ये प्रोसेस होता है कि नहीं, तो आप लोग के सामने है, देख रहे हो कि नहीं, तीन ऑर्डर उसको आए हैं, तीन ऑर्डर 1 आवर अगो, 1 आवर अगो, सो इट्स मीन के पॉसिबल है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो पॉसिबल है, अगर नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं।